मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट. सो लेट अस स्टार्ट डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन, 96 डिवाइड बाय 3, यानी हमें ये वाला ऐसे करना है. 96 विल कम इनसाइड और 3 यहाँ पे. अगर आपको डायरेक्ट 3 का टेबल आता है सो इट्स वेरी इजी. इफ नहीं आता है तो लिख लेना है. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 एंड 3 10 30. ये इजी रहेगा आपको डिवीजन करने के लिए. अंडरस्टूड? नाउ फर्स्ट वाला नंबर देखो, 9 9 आता है 3 के टेबल में. टेबल देख लो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. तो 3 3 9, अभी इसको करना है माइनस. 9 माइनस 9 0, ये 6 आएगा नीचे, राइट. अभी 3 के टेबल में हमें कौन सा नंबर देखना है? 6. 3 के टेबल में 6 आता है. 3 2 3 2 6, अभी इसको माइनस करो 0, तो हमारा आंसर क्या आया? 32. अंडरस्टूड? सेकेंड क्वेश्चन, 68 डिवाइड बाय 2, तो अभी किसका टेबल हमें लिखना है? 2 का टेबल लिखना है. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20. डिवाइड करते हैं ये 68 अंदर ये बाहर. पहले फर्स्ट नंबर देखो, 6 आता है 2 के टेबल में. यस, 2 3 6 0. अभी ये एक नंबर को हमें नीचे लेना है तो 8 हुआ. 2 के टेबल में 8 आता है. 2 के टेबल में 8, यस 8 आता है. कितने जा? 4 जा, 2 4 जा 8, 0. डन आंसर. नो एटी डिवाइड बाई 1, तो 1 का टेबल तो सबको आता है, तो पहले तो डायरेक्टली 1 के टेबल में 8 कब आता है? 1 8 8, 0. अभी ये 0 नीचे. कोई भी टेबल में 0 कब आता होगा? मल्टीप्लीकेशन में हमने सीखा है कि कोई भी नंबर को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर 0 आएगा. सो 1 0 0, आंसर. Understood? Now, 316 divide by 2. तो 2 का टेबल लिख लो. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, and 2 10 20, राइट. अभी 3 आता है, देख लो यहाँ पे. 1 2, 2 2 4, तो बड़ा हो गया 3 से. 3 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे? 3 से जो छोटा नंबर ये वाले टेबल में है वो हमें लेना है. तो 3 से छोटा कौन है? 4 नहीं, 3 से छोटा कौन है? 2. तो 2 1 2, माइनस करो तो 1. मैंने क्यों 2 लिया? क्योंकि ये 3 तो आता नहीं है 2 के टेबल में. अगर ना आता हो तो 3 से छोटा नंबर लेना है जो 2 के टेबल में हमें आता हो, राइट. अभी ये दोनों का माइनस किया मैंने तो मुझे बच गया 1. अभी ये 1 को मैं यहाँ नीचे लाऊं तो हो गया मेरा 11. अभी इसमें देखो 11 है कहीं पे भी? नहीं, 11 नहीं है.
तो 11 से छोटा नंबर कौन सा है? 10, राइट, क्योंकि 12 तो बड़ा हो गया, तो 11 से छोटा कौन है? 10। कितने सा है? 5 ज़ा, 5 ज़ा 10। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। अभी ये एक 6 बच गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16। देखो इसमें 16 है, हाँ है, सो 2 8 ज़ा 16। समझ में आया? अगर वो नंबर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर देखना है। नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जांपल्स, तो क्लियर आइडिया आ जाए। टू थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव एंड हियर 7। 7 का टेबल लिख लेते, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70। डन। अभी टू, टू तो है नहीं, टू तो छोटा हो गया 7 से, तो जब भी स्टार्टिंग में छोटा नंबर दिया हो तो हमें क्या करना ही है, दोनों नंबर एक साथ में ले लेने। जब भी स्टार्टिंग में हमें छोटा नंबर दिया हो तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दोनों नंबर हम ले लेंगे साथ में। 22, अभी इसमें देखो 22 है, 22 नहीं है बट 21 है, जो 22 से छोटा है, राइट। अगर ना वो नंबर ना आए तो उससे छोटा नंबर लेना है हमें। सो 22 नहीं है बट 22 से छोटा नंबर 7 के टेबल में कौन है? 21। तो 7 3 ज़ा 21, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 10। अभी इसमें देखो 10 है, 10 तो नहीं है बट 10 से छोटा नंबर कौन है? 7। सो 7 1 ज़ा 7, 0 में से 7 कटने होता तो उसको 10 करो और ये हो गया मेरा 0, राइट। नाउ 10 में से 7 जाए, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3। अभी ये 5 यहाँ पे, 35। देखो टेबल में, 7 के टेबल में 35 है कि नहीं? हाँ है, यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, 0 0। अंडरस्टूड? एक और सम देख लेते हैं। डिवाइड बाय 5, 5, 5 का टेबल लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। अभी देखो स्टार्टिंग का नंबर ये वाले नंबर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या किया था? 2 नंबर, तो इसमें भी हम 2 नंबर ले लेंगे। 27 इसमें ढूंढो, 27 है नहीं, 27 नहीं है बट 27 से छोटा नंबर कौन है? 25। सो 5 5 ज़ा 25, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, एंड ये 3। 23 इसमें चेक करो, है 23, 23 नहीं है बट 23 से छोटा नंबर है, यस 20 है। 5 4 ज़ा 20, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 0, और ये 0 यहाँ पे। 30, 30 है, यस 5 6 ज़ा 30, सो आंसर इज 546। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सॉल्व व्हाट प्रॉब्लम्स। What problem is our question number 11? Mr. Sharma divides 48 chocolates in 4 of his son equally. How many chocolates does each son get? तो मिस्टर शर्मा है वो 48 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके बीच में? उनके 4 बेटों के बीच में। तो एक बेटे को कितनी
चॉकलेट्स मिलेगी दैट वी हैव टू फाइंड। तो क्या करना है हमें, 48 डिवाइड बाय 4 करना है। 4 यहाँ पे, 48 यहाँ पे, 4 का टेबल लिख लो। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, 4 फाइव ज़ा 20, 4 सिक्स ज़ा 24, 4 सेवन ज़ा 28, 4 एट ज़ा 32, 4 नाइन ज़ा 36, 4 टेन ज़ा 40। 4 के टेबल में 4 कब आता है, वन ज़ा 4, वन ज़ा 4, 8। 4 के टेबल में 8, 4 टू ज़ा 8। सो एक बेटे को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी, 12 चॉकलेट्स। आवर आंसर इज 12 चॉकलेट्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन। Four friends share 28 chocolates equally. How many sweets, I mean sweets, does each friend get? तो चार फ्रेंड के बीच में 28 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो एक फ्रेंड को कितनी मिलेगी? सो 28 को हमें डिवाइड करना है 4 के साथ, राइट? तो डायरेक्टली वी कैन गेट 28 एंड हियर 4। सो 4 का टेबल बोलो, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, 4 फाइव ज़ा 20, 4 सिक्स ज़ा 24, 4 सेवन ज़ा 28, 7 ज़ा 28। सो एक फ्रेंड को कितनी स्वीट्स मिलेगी, 7 स्वीट्स। दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। देर आर अ टोटल ऑफ 72 पीपल विथ 8 पीपल इन ईच रो, हाउ मेनी रोज आर देर? एक रो में 8 पीपल है, टोटल 72 पीपल है, तो एक रो में कितने पीपल होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड। तो दैट इज 72 डिवाइड बाय 8 करना है। सो 8 के टेबल में 72 कब आता है, 8 नाइन ज़ा 72। सो आवर आंसर इज 9 peoples. Understood? Now a book has 150 pages. Rahul reads 8 pages every day. In how many days will he read all the pages of the book? अभी एक बुक में कितने पेजेस है, 150 पेजेस है, उसमें से एक दिन में राहुल कितने पेज रीड करता है, 5 पेजेस। सो ये बुक्स कितने दिन में ख़त्म होगी वो हमें फाइंड करना है। 5 का टेबल लिख लो, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अभी आगे का जो भी नंबर लिखा है वो तो छोटा है 5 से, तो हमें दो नंबर लेने पड़ेंगे। 15 है, हाँ है, 5 थ्री ज़ा 15, 0 0। अभी मैंने बोला था कि कोई भी टेबल में 0 कब आता है, 5 0 ज़ा 0। सो आवर आंसर इज कितने डेज, 30 डेज। अंडरस्टूड? थैंक यू।